आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है बच्चों वाओ yes! wow! अच्छा सब बताइए क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज चेंज है क्या आप क्या आप समझते हैं है? मैम का मतलब है जलवायु परिवर्तन और जो भी पृथ्वी पे पोल्यूशन होता है ना तो पृथ्वी की जो ओजोन परत है उसमें होल्स हो रहे हैं जिससे जो सन है उसकी पराबैंगनी गृणें सीधा हमारी पृथ्वी पे आती है और जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जा रहा है बरसात में बारिश नहीं हो रही है और सर्दियों में बर्फ नहीं हो रही है और uh, मैं उत्तराखंड से हूँ तो जिस uh, जिस हिसाब से वहाँ आज तक बारिश होती थी और उस हिसाब से इस बार इतनी बारिश नहीं हुई गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है जिससे उसका इफेक्ट हम लोगों पे पड़ता है जिससे कई बीमारियां होती हैं क्लाइमेट चेंज हैज अ बेयरिंग ऑन एवरी सिंगल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑन एवरी सिंगल वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द द द पॉपुलेशन ऑन ऑन रिच एंड 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 पुअर सिटीज विलेजेस इट हैज अ डायरेक्ट लिंक विद हेल्थ हाइजीन think of extreme weather events droughts floods rain and extreme heat so did you all know that in fact children who bear the brunt of climate change it impacts them the most despite contributing minimally to greenhouse gas emissions so it's not really their fault but they are bearing the brunt it's imperative to prioritize their protection and empower their voices and who better to do it than themselves so joining us today let me introduce our panel we have with us Dehana Agarwal co-founder one step greener we have with us Naveen Singh and Anushka. They are in the audience. They are from the CRI schools and they've come all the way for this special show. Thank you so much. We have Dr. Narendra Seni, Chairman, AMR Standing Committee, Indian Medical Association. We also have with us Mr. Ravi Singh, Secretary General and CEO, WWF India. Joining us is also Dr. Randeep Gularia, former Director, Ames Delhi. Dr. Prashant Siksena, Senior Director and Head Pulmonary Critical Care and Sleep Medicine, Fortis Hospital, Vasant Kunj, and Fortis Gurugram. And of course, we have with us Mr. Ravi Bhatnagar, Director, External Affairs and Partnerships, SOA Record. Well, thank you all so much for joining us on this very special Independence Day. So, Vihan, you began your journey as a child rights activist by the age of 11, I think. You ke the. 14. 14. 14. My younger brother was 11. Yeah. So, he so was they both 11, have been doing this. Started together. young. That's yeah. amazing.

उसके बारे में बताइए आप उन स्कूलों में क्या सीखते हैं और मिशन लाइफ के बारे में यहाँ के बच्चों और हम सबको उसके बारे में एजुकेट करिए मैम मैंने डेटोल क्लाइमेट स्कूल की साइट से ये सीखा है कि हम गार्बेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं तो मैंने उस साइट से ये सीखा है कि हम जो गार्बेज होता है वो टू टाइप्स का होता है अजैविक और जैविक जो जैविक होता है ऑर्गेनिक उससे हम खाद बना सकते हैं जो हमारी क्यारियों के लिए बहुत यूज़फुल होती है और अजैविक जो प्लास्टिक की चीज़ होती है उससे हम एकोब्रिक बना सकते हैं जो हम अपनी क्यारियों की बाउंड्री बना सकते हैं जिससे जिससे प्लास्टिक जलेगा भी नहीं और पॉल्यूशन भी नहीं होगा थैंक यू

सो आई एम वेरी प्राउड कि आप इस उम्र में यहाँ पर आए दिल्ली आए हैं और अपनी बात आपने सामने रखी है थैंक थैंक यू 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 सर सर सो प्राउड ऑफ अनुष्का इनफैक्ट पे और भी बच्चे आए हैं सारे नहीं आ सकते थे यहाँ पे नवीन है हमारे साथ आयुष्मान हम आपसे पूछना चाहेंगे नवीन आप जो सीखते हैं अनुष्का ने हमें बताया कि आप स्कूल में क्या सीखते हैं लेकिन वो अपने घर पे जाके अपने भाइयों बहनों या कम्युनिटी में वो कैसे बताते हैं कि जो आप स्कूल में सीख रहे हैं आप वापस अपने कम्युनिटी में कैसे लेके जाते हैं जो मैम मैं, मैं कई चीज़ें सीखता हूँ स्कूल में जैसे कि हैंड वॉश करना चाहिए कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद सोच के बाद या फिर जब भी आपको आप अपने हाथ गंदे लगे तब हमें हैंड वॉश करना चाहिए तो मैं यही अपने छोटे भाई बहनों को सिखाता हूँ और जैसे कोई बुजुर्ग लोग होते हैं उनको पता नहीं है कि हाथ धोना चाहिए वो मिट्टी में काम करके आते हैं तो फिर खाना खुना खा लिया जिससे वो बीमार हो सकते हैं मैं उनको भी बताता हूँ कि हाथ धोना चाहिए और हम सीखते हैं कि कचरे को कैसे अलग करें जैसे गीला कचरा होता है सूखा कचरा होता है वो ई कचरा होता है इन सबको अलग रखना चाहिए ताकि जो गीला कचरा है वो हमारे खाद में काम आ सके जो सूखा कचरा वो रिसाइकिल के लिए जा सकता है और ई कचरा वो भी रिसाइकिल के लिए जा सकता है तो ये सारी चीज़ें हम स्कूल में सीखते हैं मैम आई थिंक बच्चे ये समझ रहे हैं कि अगर हम साफ़ रहेंगे तो कनेक्ट की बीमार नहीं पड़ेंगे सो तो कनेक्ट बिटवीन इट सो ऑबियस हम बच्चे को सीख रहे हैं